सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी Z4S वर्सेस वीवो Y22। आज हम इन दोनों डिवाइस के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके रेट के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले डायमेंशन के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर हमें वीड देखने को मिलती है 3.02 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.48 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.36 इंच देखने को मिल जाता है, वेट यहाँ पर हमें 195 ग्राम देखने को मिल जाता है। वही वीवो Y22 की बात करते हैं, यहाँ पर हमें वीड देखने को मिलती है 3.00 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.47 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.33 इंच देखने को मिलता है, वेट यहाँ पर हमें 190 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों डिवाइस का डायमेंशन यहाँ पर हमें सेम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर हमें 6.5 इंच का PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 720:1600 पिक्सल का HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। वहीं वीवो Y22 की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.55 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 720:1612 पिक्सल का HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 16Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ऑलमोस्ट दोनों का डिस्प्ले यहाँ पर हमें सेम देखने को मिल जाता है, दोनों का रिजोल्यूशन भी सेम देखने को मिलता है। बट अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको सैमसंग के अंदर 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 5MP का देखने को मिलता है। वही वीवो Y22 की बात करते हैं, यहाँ पर हमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 8MP का देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का कैमरा सेटअप सेम देखने को मिलता है, बट सैमसंग के अंदर आपको एक अलग से डेप्थ लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर है। बट अगर आप वीवो का फ़ोन परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सैमसंग की कंपैरिजन में। तो गाइस, ये भी सेम है, यहाँ पर भी कैमरा के लिए आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी 04S के अंदर हमें एक्सोनस 850 का 8nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है, वही वीवो Y22 के अंदर हमें मीडियाटेक जेलियो G85 का 12nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, गेमिंग वगैरह के लिए अगर आप फ़ोन परचेस करते हो तो आपके लिए मीडियाटेक काफ़ी बेहतर रहने वाला है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी और 15W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, वही वीवो Y22 के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी और 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है, चार्जर आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s और वीवो Y22 दोनों डिवाइस के अंदर हमें सेम सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलते हैं, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर हमें 4GB 64GB वाला वेरियंस 13,499 में मिलता है, वही वीवो Y22 के अंदर हमें 4GB 64GB वाला वेरियंस 14,499 में देखने को मिल जाता है। अगर आपको 6GB वाला वेरियंस परचेस करना है तो यहाँ पर आपको 16,499 देखने को मिलता है। तो लो प्राइस के अंदर हमें सैमसंग गैलेक्सी A04s देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के फुल कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A04s के अंदर और वीवो Y22 दोनों डिवाइस के अंदर HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस दोनों का सेम रहने वाला है। बट अगर आप गेम वगैरह के लिए फ़ोन परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो G85 काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। दोनों डिवाइस के अंदर में एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है, दोनों का मेन कैमरा लेंस 15MP का है। बट अगर आप वीवो का सेल्फी कैमरा देख लो तो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी 04S की कंपैरिजन में। बैटरी दोनों का सेम देखने को मिलता है, बट अगर चार्जिंग की बात कर ले तो वीवो Y22 का चार्जर काफ़ी बेहतर रहने वाला है। प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो सैमसंग गैलेक्सी 04S का प्राइस काफ़ी लो रहता है वीवो Y22 की कंपैरिजन में। बट अगर आप 1000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हो तो आपको काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है वीवो Y22। तो आपके रेट के अकॉर्डिंग बात कर ले तो आपके लिए वीवो Y22 काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस प्राइस रेंज के अंदर आप सैमसंग के कंपैरिजन में वीवो का फ़ोन परचेस कर सकते हो। तो गाइस, ये था सैमसंग गैलेक्सी 04S वर्सेस वीवो Y22 का फ्यूचर कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।